राधे राधे फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं कटहल की एक ऐसी महंगी रेसिपी जिसे आप खास करके रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर के काफ़ी महंगे खाते हो। और इसे हम बनाएंगे घर पर ही इतने आसान तरीके से, और जिसे आप दो तरीकों अलग अलग तरीक़ों से बना करके भी खा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने नॉर्मल छोटी साइज़ का एक कटहल ले लिया हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक चाकू लेना है, चाकू या जिसे भी आप कट कीजिएगा उस पर अच्छे से ऑयल लगा लीजिएगा, साथ में हाथों में भी लगा लीजिए, क्योंकि जो कटहल के सब्जी से जो दूध निकलता है ना, जिसमें से चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, वो हाथों में चिपक जाता है और बाद में निकलता नहीं है, काफ़ी दिक्कत करता है। तो हाथों पर भी और चाकू पर भी हम तेल लगा लेंगे अच्छे से, नॉर्मल सरसों का तेल लगाएंगे, और इस तरह से इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। सबसे पहले दो पार्ट में मैंने कट किया हुआ, उसके बाद से मैंने इस तरह से काटते हुए, इन्हें छोटी साइज़ का था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मैं यहाँ पर काटते हुए आराम से एक से एक मतलब एक पूरे कटहल को मैंने 8 भागों में कट कर लिया हुआ था, बड़े बड़े पीसेस में कट किया हुआ। इसका छिलका वगैरह हमें निकालना नहीं है, बस इसी तरीके से बड़े बड़े पीसेस में हमें कट कर लेना है। इसके बाद से हमें क्या करना है कि हम लेंगे नॉर्मली कुकर अपने, और सारे पीसेस को हमें इन्हीं कुकर में डाल देना है। इसके बाद से हमें इसमें क्या करना है कि सारे कटहलों को डालने के बाद हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल कप से नाप करके 1 से 1.5 कप इसमें हम पानी डाल लेंगे, और इसे फिर हम कुकर को ढक करके और बंद करके यानी कि लगा देंगे सीटी के लिए। कुकर आराम से एक एक सीटी लगाने तक का हम वेट करेंगे, 1 से 2 सीटी। अगर आपका कटहल जो है वो अगर छोटे साइज़ का नहीं, बड़ा वाला तो ज़्यादा सख्त होता है, तो उसमें कम से कम 2 सीटी लगा लीजिएगा। अगर छोटे वाला होता हो तो वो नरम होता है, जल्दी से कुक हो जाता है, तो आराम से 1 सीटी में वो गल जाएगा। तो मेरा छोटा वाला था तो मैंने इसे आराम से 1 सीटी में अच्छे से ये गल गया था। फिर मैंने इन सभी को पानी से निकाल करके एक बाउल में रख लिया हुआ। अब हमें क्या करना है कि इन्हें क्या करना है, ऊपर का जो ये छिलका है ना, अब हमें आराम से छील लेना। इससे क्या होगा कि छिलका छीलने में आसानी होगी, और जब हम तुरंत कटहल को काटते हैं ना, उस वक्त छीलने में काफ़ी दिक्कत होती है, और वो काफ़ी सख्त होता है, और छिलके से अलग मतलब गुदे से ना अलग नहीं होता है छिलका। तो जब इस तरह से आप इसे स्टीम करके करेंगे तो ये अच्छे से अलग भी हो जाएगा, बहुत आसानी से जो हमारा कटहल है वो पक भी जाएगा। तो इस तरह से हमें सभी कटहलों को अच्छे से यहाँ पर छिलके से अलग कर लेना है। इसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज बिल्कुल बारीक कट करके, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और तीखे के लिए हमने 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून काली लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल की हुई है। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, आप चाहें तो हरी मिर्च और अदरक वगैरह का पेस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड किया हुआ, साथ में मैंने 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट यूज़ किया हुआ। सभी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से बिल्कुल मैश कर लेंगे यानी कि मिला लेंगे। और इसके बाद से देख सकते हो आप लोग, मुझे लग रहा था कि हाँ इसमें थोड़ा सा बेसन कम है, तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच बेसन और डाल लिया, और फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तो हमें इनकी नॉर्मल साइज़ की जैसे छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की मत रखिएगा, आप चाहें तो बॉल बना लीजिए, या फिर उन्हें चपटा करके टिक्की का साइज़ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद का शेप आराम से इसे दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे बॉल्स ही बनाइए। बट नॉर्मली जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं खाने के लिए, या फिर घर पर ही, काफ़ी लोगों को ये पसंद ही नहीं होता कि कटहल की सब्ज़ी कैसे बनाएं कि सभी मनपसंद से खाएं और उन्हें काफ़ी स्वाद भरा और टेस्टी लगे। तो इस तरह से मेरे तरीके से बना करके देखिएगा, सभी को घर में बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, सभी को बना करके साइड में हम रख देंगे। इसके बाद से कढ़ाई में तेल डालेगा, तेल को अच्छे से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमें गर्म करना है। इसके बाद से जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम एक एक करके सारे बॉल्स को इसमें डालते जाएंगे, और थोड़ी देर के लिए इसी स्टेज पे हमें इसे छोड़ देना है ताकि ये नीचे से थोड़ी सी अच्छे से कुक हो जाए और ये आराम से कढ़ाई को छोड़ देगी, क्योंकि तुरंत चलाएंगे तो फिर ये टूट जाएंगी और कढ़ाई में चिपकी रहेंगी तो वो भी दिक्कत करेंगी। थोड़ी देर ऐसे छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के बाद इन्हें नीचे वाली लेयर से धीरे धीरे आराम से पलटे कलछुल की हेल्प से या पलटे की हेल्प से इस तरह से घुमाते हुए इसे साइड्स को चेंज कर देंगे ताकि ये चारों तरफ से बिल्कुल आराम से बराबर और अच्छे से कुक हो जाए। तो इसे पकाते वक्त ध्यान दीजिएगा, आराम से 3 से 4 मिनट दीजिएगा कम से कम मीडियम फ्लेम पर, और बिल्कुल अच्छे से इसे पका लीजिएगा। मेरी बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की नहीं थी, छोटे छोटे साइज़ की थी, इसलिए मैंने उन्हें आराम से रख दिया था उसमें पकने के लिए। जैसे वो पक रही हैं, हम क्या कर लेते हैं, दूसरा मसाले तैयार कर लेते हैं अपनी सब्जियों के लिए। तो इसके बाद से हमने क्या किया, मिक्सर जार में एक नॉर्मल बड़े साइज़ का प्याज लिया हुआ है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने खड़े वाली धनिया ली हुई है, आप धनिया पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच जीरा और लगभग 10 से 15 काली मिर्च के दाने, इन्हें मैंने अच्छे से बिल्कुल पीस करके फाइन एकदम पेस्ट बना लिया हुआ। चलिए अब इसे ढक करके साइड में रख देते हैं, और तब तक जितने देर में हमने मसाला पीसा था तब तक हमारा जो कटहल का कोफ्ता है यानी कि कटहल की पकौड़ियाँ हैं कह सकते हो, कोफ्ते के लिए रेडी कर सकते हो, ये बन करके बिल्कुल रेडी हो गए, अच्छे से कुक हो गए। देख सकते हो गोल्डन कलर आ गया, अच्छे से शायद उसे कुक हो गई हैं, अच्छे से बिल्कुल पक गई हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को निकाल करके सेम प्रोसेस के साथ पका लिया था। बचे हुए तेल में हम 2 कड़ी पत्ते तोड़ करके डालेंगे, और साथ में ही 1/2 चम्मच यहाँ पर जीरा और ढेर सारी लहसुन की कलियाँ यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप खाना पसंद करते हैं तो ऐड कीजिए, वरना स्किप कर सकते हैं।
इसी के साथ मैंने यहाँ पर दो खड़े लहसुन को डाला हुआ है और इन्हें भी मैं सभी चीज़ों को एक साथ में भूनूंगी। साथ में हरी मिर्च तीखी के लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 है जिसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में तोड़ करके डाल दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए भुनेंगे, जैसे ही हमारा लहसुन जो है ना हल्का हल्का ब्राउन होने लगा, कलर चेंज होने लगा उसका, तो हमने जो मसाले पीस के रखे थे वो मसाले ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में स्वाद के अनुसार नमक। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमें इन्हें मिक्स करना है और मिक्स करके ढक करके बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आराम से कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ढक ढक करके पकाना है ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएं, कच्चे ना रहें। और धीरे धीरे इस तरह से पकाते हुए देख सकते हो आप लोग कि हल्का सा मसालों से जो तेल है ना वो अलग अलग दिख रहा है। अभी पूरी तरीके से अच्छे से पका नहीं है, वो हल्का हल्का सा मसाला लग रहा है। इस तरह से हमें मिक्स कर देना और फिर से इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए पकाना है। लहसुन जब भी आप खड़ा डालते हैं अपनी सब्ज़ी वगैरह में तो पहले ही डाला कीजिए। इससे क्या होगा कि लहसुन जो शुरू में फ्राई हो जाएगा ना तो वो कच्चा नहीं रहेगा लास्ट में, वरना क्या होता है लहसुन जो ना बाद में पक तो सब्जियां मसाले वगैरह सब पक जाती हैं बट लहसुन जो है वो कच्चा रह जाता है। इसी के साथ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस, साथ में इसमें मैंने 2 चम्मच पानी भी ऐड किया हुआ था, अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ था। साथ में 1/2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर है, तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से आपस में फिर मिक्स करेंगे, ढक करके फिर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और अभी आप देख सकते हो कलर काफ़ी चेंज हो चुका है हमारी सब्जी का, मसालों का, तो यहाँ पर जो है ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, अच्छे से कुक हो गई है। अब हमें क्या करना है, कोफ्ते जो हमारे हैं उसमें से 2 कोफ्ते ले करके इसमें तोड़ करके मैश करके डालना, जिससे कि ग्रेवी में भी कोफ्ते का फ्लेवर और टेस्ट अच्छे से फैल जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बता दूँ मैं कि अगर आप कोफ्ते बना रहे हो ना तो उसे बस इस तरह से बना करके टमाटो सॉस के साथ आपको सर्व कर सकते हो। डेफिनेटली यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सभी को काफ़ी पसंद आया क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी टेस्टी लग रहा था, मेरे घर में मैंने सभी को एक टेस्ट कराया था, वो भी सबको बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद से जो मसाले हमारे पक गए थे तो हमने सारे कोफ्तों को डाल दिया, साथ में 1 बड़ा कटोरा भर करके हमने इसमें पानी डाल दिया। तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखिएगा क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो थोड़े से पानी को सोख कर लेंगे, यानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे और पानी जो हमारा ऑलरेडी कम हो जाएगा। इस तरह से हमें ढक करके आराम से कम से कम 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से पकाना है ताकि कोफ्ते भी अच्छे से जो थोड़े मोड़े कच्चे अगर हो तो पक जाए। वैसे तो हमने कोफ्तों को अच्छे से फ्राई कर लिया हो तो वो कच्चे तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर मान लीजिए आप बड़े साइज़ के बना रहे हो तो वो कच्चे हैं अगर हैं तो ढक करके आराम से 4 से 5 मिनट तक बीच में चलाते चलाते पका लीजिएगा। और ग्रेवी आप जितनी भी कम या ज़्यादा चाहते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल गाढ़ी बनाई थी सूखी रोटी और पूड़ियों के साथ खाने के लिए, तो आप अपनी रोटी या पूड़ी जिसके साथ खाना पसंद करते हैं बना सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी।